नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आज शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती है, जिसके चलते वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। लालकोट के सामने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा मौजूद है, जहां पर आज शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी, विपक्षी नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नगर सेवक चिराग झमेरी समेत के कांग्रेस के कार्यकर पहुंचे और बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेसी अग्रणी और कार्यकरों की ओर से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। शहीद वीर भगत सिंह जी की आज जन्म जयंती है। वडोदरा कांग्रेस के द्वारा पुष्पार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जिस तरह हंसते हंसते शहीदगी ली है, उन्होंने अपनी शहीदगी ली है, देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके लिए जीवन से एक प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए मर मिटने तक कुछ भी करने के लिए रेडी होना चाहिए। और हर युवान को उनके लाइफ से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनके जन्मदिन पे उनको पुष्पार्पण के शत नमन। भारत देश के वीर सपूत, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में जो शहादत दी और इतिहास में जिनका नाम सबसे आगे लिया जाता है, जो युवान ऐसे वीर भगत सिंह का आज जन्म जयंती, आज उनको पुष्पांजलि का कार्यक्रम वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे रखा है। और आज उनको याद करते हुए इस देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव राजगुरु, इन सबके नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिली और इस देश में लोकशाही की स्थापना हुई और बाद में इस देश में बंधारण बना। और आज जो देश में डेमोक्रेसी, जो हमको जो अधिकार मिला है, सामान्य जनता को जो अधिकार मिला है, ये सब अधिकार हमको बंधारण ने दिए, लोकशाही ने दिए है। तो आज शहीद भगत सिंह, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह भी नहीं की, 23 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़े और देश की आज़ादी के लिए अपना शहादत दिया, ऐसे शहीद भगत सिंह को आज हम नमन करते हैं। और वडोदरा कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पे ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आज सरदार भगत सिंह, और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो शहीद भगत सिंह 1907 के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर जन्मे हुए सरदार भगत सिंह, आज़ादी की लड़ाई के अंदर सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, नामी अनामी देशभक्त अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए आज़ादी की लड़ाई में कूदे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन देश के लोगों को जगाना, देश के लोग नहीं जाग रहे थे, इसके उन लोगों सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जाकर असेंबली में बम फोड़ा, जहां पर कोई पैर नहीं रख सकता था उसके अंदर घुसकर बम फोड़ा। वो बम की आवाज़ सारे देश में सुनाई दी और लोग जागे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। भले फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन देश को जगा दिया। सवाल ये है कि आज जिस तरह से हम लोग इस देश में जी रहे हैं या लोग जी रहे हैं, वो लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। वो अंग्रेज थे, ये हमारे अपने हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग स्वतंत्रता की, अपनी बोलने की आज़ादी खो बैठे हैं। ऐसे समय के अंदर फिर से शहीद भगत सिंह जैसे लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। उनका संदेश था, ये आज़ादी ली क्यों? आज़ादी इसलिए ली कि देश का हर व्यक्ति अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, न्याय के लिए लड़ सकता है और हमेशा देश एकजुट होकर आगे बढ़े और विकास करे, इसके लिए उसने आज़ादी ली। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।